हेलो दोस्तों क्या हाल है आप सबके जो आज हमारे पास वेरिएंट है वो है क्रेटा एस एक्स ऑप्शनल टॉप मॉडल है वो आप एसी सी इवेंट से भी पता लगा सकते हैं कि टर्बो के ऑप्शन में टर्बो एस एक्स ऑप्शनल होता टॉप मॉडल टर्बो के ऑप्शन में एसी सी इवेंट इसके रेड कलर के आते हैं तो आज हम इसका इंटीरियर का कवर करेंगे इंटीरियर बिल्कुल ऑलमोस्ट नाइन्टी पर नाइन्टी सेम एल्काजार जैसा है बाकी एल्काजार से क्या डिफरेंस है वो हम थोड़ा बहुत इसमें आज डिस्कस करेंगे बाकी इससे पहले गई इस गाड़ी देखिए गाड़ी है एक क्लास मतलब मेरे पास आज से मैंने चार साल पहले 2018 मॉडल क्रेटा लिया था तो यार उससे तो जमीन और आसमान का फर्क है इस क्रेटा में ये इसका ऑटोमेटिक वर्जन है सारे इसमें वेंटिलेटेड सीट आपके हैंड ब्रेक हटा दिए ऑटो तो, मतलब ये तो इन चीजों पे हम बात करेंगे अभी बाकी अब यार गाड़ी देखिए गाड़ी टोटली 2018 जो वेरिएंट था और जो अब 2020 में आया है बिल्कुल टोटली डिफरेंट है होगी गाड़ी की रियर लुक एंड ऊपर काफी ह्यूज पैनरोमिक सनरूफ हमें मिला है बाकी इसके बारे में भी अभी बताएंगे बाकी गाड़ी यार ए क्लास है एकदम शिफ्टर वगैरह यार गाड़ी नो डाउट बहुत बढ़िया बना रखी है और ये जो मेरे पास मॉडल खड़ा है ये आपका है साढ़े बीस लाख ट्वेंटी पॉइंट फाइव लैक्स का है एस एक्स ऑप्शनल टर्बो तो इस बेसिक से स्टार्ट करते हैं इसमें आपको मिलते हैं ये आपके ओ कंट्रोल ये आपके हो गए फोल्ड और अनफोल्ड के लिए मिरर्स ये आपका होगा लेफ्ट राइट अनलॉक लॉक सारे पावर विंडोज चाइल्ड लॉक सिल्वर कलर डोर हैंडल्स बाकी कुछ आपको यहाँ स्पेस रखने के लिए और ये हो गए यहाँ का नीचे का स्पेस बॉटल होल्डर वगैरह यहाँ का स्पेस आपको नीचे मिल जाता है यहाँ पे मिलते हैं आपको ये नीचे बॉस के स्पीकर एंड पैसेंजर साइड भी बॉस स्पीकर टोटल यहाँ पे आपको सात स्पीकर दे रखे हैं आगे दो पीछे दो दो ट्विटर एंड एक यहाँ पर इस गाड़ी में आपको मिल जाता है पुश बटन ट्रैक्शन कंट्रोल आपके हेडलैंप इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए बाकी आपके जो एसी वेंट्स हैं यार बहुत मतलब ऐसा नहीं है जैसे डायनामिक एग्रेशन लुक दे रहे हैं रेड कलर प्लस आपका सिल्वर सेगमेंट का थोड़ा सा यूज प्लस ब्लैक तो थोड़ा अट्रैक्टिव लुक दे रहा है इनको वेंट्स को ये ठीक है जैसे ये सिल्वर क्रोम फिनिश क्रोम तो नहीं है खैर सिल्वर सेगमेंट का काफ़ी अच्छा यूज़ करा इन्होंने जैसे सिल्वर हैंडल डोर्स हैं तो उससे ही कलर कॉम्बिनेशन में ए इवेंट्स बनाया हैं तो काफ़ी अच्छा प्रीमियम लुक दे रहा है गाड़ी को बाकी हो गया इसका स्पीड मीटर स्पीड मीटर प्लस ये आपका हो गया शेयरिंग शेयरिंग पे पूरे से कंट्रोल्स इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ऑटोमेटिक डी एंड ये आपका हो गया हैंड ब्रेक की जगह आपको यहाँ पार्किंग का ऑप्शन मिला है ऑटो होल्ड हो गया वेंटिलेटेड सीट्स हो गई यहाँ पे कुछ स्टोरेज प्लस ये जो आपका एयर फिल्टर है काफी अच्छा मतलब लेदर फिनिश में दे रखा है एंड थोड़ा सा कुशनिंग इफेक्ट भी है तो काफी अच्छा आर्म आपको इसमें मिल जाएगा सॉरी हो गई आपकी ये कुछ बाकी गाड़ी मैंने करी है ऑन तो आप देख सकते हैं यार क्या मस्त और एग्रेशन लुक आ रहा है गाड़ी का एकदम ही अल्टीमेट इससे पहले मेरे पास जो दो मॉडल था क्रेटा का बिल्कुल ही उसमें यार ज़मीन और आसमान का फ़र्क है इंटीरियर वाइज अगर मैं बात करूं तो इसमें अब 10.5 पॉइंट इंचज़ का इन्फोटेनमेंट सिस्टम आता है उसमें शायद इसका आधा भी नहीं आता था ठीक है आपका ये हो गया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जिसमें आपके आपका ये हो गया आर रीडिंग स्पीड रीडिंग प्लस फ्यूल टैंक रीडिंग की एंड ये कूल और हॉट बताने का ऑप्शन एंड इसके अंदर आप देखेंगे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर तो आपको पार्किंग रिवर्स न्यूट्रल एंड ड्राइव मोड अगर आप जोन से मोड में चेंज करेंगे लाइक मेरे इस को करके दिखाता हूँ तो ये हो गया रिवर्स मोड ये हो गया न्यूट्रल एंड दिस इज ड्राइविंग मोड तो ड्राइविंग के बाद फिर आपका ऑटोमेटिकली आपको बस एक्सेरेट करना है गाड़ी चलाने के लिए अभी मैं कर देता हूँ इसे पार्किंग पे ठीक है ऐसा आप यहाँ भी देख सकते हैं और ये आपका जो ऑटोमेटिक गेयर ये जो आपका गेयर बॉक्स है ये आता है डी सी टी डोल क्लच ट्रांसमिशन जिसमें आपके दो क्लच आपको मिलेंगे वैसे में आपको क्या फील होगा कि एकदम जो आपका ऑटोमेटिक जो गेयर है वो एकदम शिफ्टिंग में जैसे आपने किसी गाड़ी में फील करा होगा कि थोड़ा सा टाइम लेती है बट डोल क्लच ट्रांसमिशन में आपको बिल्कुल भी ऐसा देखने को नहीं मिलता एकदम विद इन मिली सेकेंड में आपको एकदम गेयर आपका शिफ्ट हो जाएगा तो डी सी टी बहुत अच्छा है एंड आपको एक जो आपका एवरेज है गाड़ी का वो भी थोड़ा सा इंक्रीज करता है तो काफ़ी अच्छा है डी सी ऑप्शन गियरबॉक्स है इसमें मैंने चलाई है खुद पर्सनल फील करी है तो काफ़ी अच्छा मतलब लॉन्ग रन भी और आपका स्टेबिलिटी के साथ गाड़ी चलती है प्लस आप कंफर्टेबली होकर गाड़ी को रन कर पाते हैं प्लस इसमें आपको इस स्पोर्ट्स मोड दे रखा है स्पोर्ट मोड एक तो आपका टर्बो इंजन एक्टिवेट करता है जिसमें कि आपको थोड़ा पिकअप देखने को ज़्यादा मिलेगा प्लस अगर आपको ये पैडल शिफ्टर्स यूज़ करने हैं लाइक आपको अगर गेयर खुद ही डाउन लाइक आपको थर्ड से सेकेंड से में शिफ्ट करना है और थर्ड, अगर सेकेंड से थर्ड में शिफ्ट करना है तो प्लस अगर उससे कम करना है तो माइनस में तो पैडल शिफ्टर इसलिए जैसे कि आप किसी भी गाड़ी को अगर ओवरटेक करना चाहते हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी स्पीड है फोर्टी की स्पीड है लेकिन आप थोड़ा सा उसे पिकअप में आपको उसे ओवरटेक करना चाहते हैं तो आप उसको यहाँ से स्पोर्ट मोड में करके यहाँ से माइनस करके पैडल शिफ्ट हो देन आप उसको एक्सेलरेट करके आपको उसको ओवरटेक कर सकते हैं तो इसलिए और इसका ओवरटेक के लिए नहीं होता यूज आप अपना पर्सनली यूज लाइक अगर आपको खुद ही अपने अकॉर्डिंगली गेयर शिफ्ट भी करना है तो आपको इसमें और भी ऑप्शन मिलता है लाइक like, आपको थोड़ा सा ये मैनुअल जैसे फील देगा बाकी आपके इसके हो गए स्टेयरिंग कंट्रोल स्टेयरिंग यहाँ पे आपको ये मिल जाता है आपका इन्फोटेन सिस्टम का कंट्रोल ये आपको मिल जाता है क्रूज कंट्रोल प्लस ये आपका हो गया एम का कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का ठीक है एंड इसमें क्या क्या मिलता है आपको आ, ये आपको हो गया ब्लू लिंक का ऑप्शन जो मैंने एलकाजार में बताया था सेम वैसे ही है आपका ये मो, मोड चेंज करने के लिए लाइक आपको ट्रैक को चेंज करना है ठीक है प्लस माइनस वॉल्यूम करने के लिए मोड चेंज करने के लिए लाइक रेडियो और ब्लूटूथ और ऑक्स कुछ भी करना हो कॉल कनेक्ट करने के लिए कॉल डिस्कनेक्ट करने के लिए एंड ये आपका हो गया क्रूज कंट्रोल ये आपके हो गए सारे एम आई डी से कंट्रोल ठीक है प्लस आपको ये जो ऑप्शन मिलता है आपको ये इंस्ट्रूमेंट में आपका फ्यूल इकोनमी एवरेज क्या चल रहा है गाड़ी का कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं प्लस आपका टायर प्रेशर अभी इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि गाड़ी एक जगह खड़ी हुई है ठीक है तो ये आपको कुछ ऐसे कंट्रोल्स दिखा देता है अब प्लस बात करें इसकी तो सेम इसका जो इन्फोर्टेनमेंट सिस्टम है बिल्कुल सेम मैंने अपनी पुरानी वीडियो में कवर कर रहा था वो है एलकाजार जैसा टेन पॉइंट फाइव इंच का सेम टू सेम सब चीज़ें वही फीचर्स सेम सब चीज़ वही क्वालिटी टचिंग वगैरह में एंड प्लस आप अगर इसका कैमरा देखें जैसे कैमरे के लिए आपको यहां व्यू करेंगे जैसे ये आपका कैमरा हो गया ठीक है गाइस बाकी बस इसमें इसमें अगर एक चीज बताऊं तो जो इसमें कम है वो ये है कि मे बी इसमें आपका 360 डिग्री कैमरा नहीं आता है इसमें आपको इसमें आपको थ्री सिक्सटी डिग्री कैमरा देखने को नहीं मिलता जो थोड़ा सा डिसएडवांटेज है इस गाड़ी का क्योंकि बीस लाख की गाड़ी में अगर गाड़ी और आपको थ्री सिक्सटी डिग्री कैमरा नहीं दे रही क्योंकि आजकल दस दस लाख ग्यारह ग्यारह लाख की गाड़ियों में भी आ रहे हैं तो खैर वो उसको हम थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि और अलग से इन्होंने बहुत ज़्यादा फीचर दे रखे हैं एंड मैं अब इसकी बात करूँ ये हो गए आपकी वेंटिलेटेड सीट्स ये आपकी दोनों फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स हो गई हैं प्लस ये आपका व्यू का ऑप्शन अगर आप यहाँ पे कैमरा लगाना चाहें फ्रंट में अपने इन्फुटेमेंट सिस्टम में तो ये आपके हो गए सारे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ए सारा फुल्ली डिजिटल है ये ठीक है एंड नीचे आपका हो गया ये वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन प्लस आपको यहाँ एक फास्ट चार्जिंग का सॉकेट मिल जाता है 1200 सो वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है चार्जिंग के लिए प्लस यूएस का ऑप्शन मिल जाता है आपको इसमें ये आपका हो गया यहाँ ग्लोब बॉक्स ग्लोब बॉक्स में भी यार अच्छा खासा स्टोरेज दिया गया है बाकी आप देख सकते हैं इसमें आपको एमबियंट लाइटिंग एमबियन लाइटिंग का भी ऑप्शन मिला है यहाँ मिला है एंड इसको आप चेंज कर सकते हैं इसमें आपको सिक्सटी फाइव कलर्स ऑप्शन का और कलर्स का ऑप्शन मिलता है जैसे मैं दिखाता हूँ आपको व्हीकल लाइट्स एंड थ्री फ्लैशेस मे बी इसमें आपको सिक्सटी फाइव कलर्स का एमवेंट लाइट का ऑप्शन नहीं दिया गया है वो सिर्फ आपको यहाँ फ्रंट डैशबोर्ड पर और यहाँ ए सी वेंट के नीचे मिलेगा ब्लू कलर में तो क्या इसमें छोटी छोटी चीज़ें लाइक एमबियन लैंडिंग का ऑप्शन एंड आपका थ्री सिक्सटी डिग्री कैमरा एंड आपका ये एंड आपका इस मिरर में आपको ये नाइट विजन मिल जाता है लाइक like अगर आप रात को ड्राइव करते हैं तो जो पीछे की लाइट्स होंगी वो आपको बिल्कुल ही जैसे आपकी आई पे स्ट्रेन पड़ता है रात को चलाते हुए तो इसमें आपको नाइट विजन का ऑप्शन मिल जाता है ठीक है यहाँ आपका हो गया ब्लू लिंक ब्लू लिंक को जैसे आप कमांड देते हैं जैसे मैं आपको दिखाता हूँ अभी इसमें एक्टिवेट नहीं है क्योंकि अभी इसके एक्टिवेशन के लिए जो रजिस्टर होना गाड़ी का बहुत जरूरी है तो अभी तो हम शोरूम में हैं तो सेम मैंने आपको जो दिखाया था सेम अल्काजार में है बाकी ये आपकी हो गई पैनोरमिक सनरूफ भाई ये सनरूफ पूरी खुलती है पीछे तक पहले वाले क्रेटा में ये ऑप्शन नहीं मिलता था पूरी पीछे तक खुल जाती है ये। एंड पहले वाली क्रेटा में जो था इससे बेटी ये यहाँ तक मिलता था सिर्फ तो यार बहुत अच्छी बात है कि इस टाइम इस क्रेटा में काफी अच्छा बड़ा सनरूफ मिल जाता है आपको देखने को बाकी इसमें अगर मैं आपको शेयरिंग की बात करूँ तो सिर्फ आपको इसमें टिल्ट का ऑप्शन मिलता है जो थोड़ा सा मुझे डिसएडवांटेज लगा इस गाड़ी का क्योंकि इसमें सिर्फ टिल्ट है टेलीस्कोपिक नहीं है तो टेलीस्कोपिक अंदर बाहर भी नहीं देना चाहिए था ऑप्शन बाकी इसमें आपको ये एलईडी ईडी लैम्पे रखे हैं इसके साथ साथ आपको यहाँ पीछे भी मिल जाएंगे लैंप काफ़ी अच्छे लुक देते हैं यार यहाँ पे भी एंड पीछे आपके हैंड होल्डर्स में भी आपके पीछे इसमें लैंप एलईडी लैंप दिया हुआ है तो अच्छी बात है यार बाकी मुझे एक जो गाड़ी में और डिसएडवांटेज लगता है वो ये लगता है कि पीछे आपका जो है पीछे जो आपका दिया है नेट सनशेड दे रखा है यार और आगे वाले पैसेंजर और ड्राइवर सीट के लिए अवेलेबल नहीं है तो थोड़ा सा मुझे इसका डिसएडवांटेज लगता है तो भाई अब हम आ गए हैं गाड़ी के पीछे वाली सीट पर तो नी रूम तो यार अच्छा है स्पेस है अच्छा इजीली मैं कंफर्टेबल होके बैठा एंड इजीली यहाँ पे मेरे साथ दो लोग और आ सकते हैं छह फीट की मेरी हाइट है ठीक है एंड ये आपका हो गया कर्टेन तो यार ये या आगे भी देने चाहिए थे बट नो इशू अब नहीं दिए तो क्या कर सकते हैं बाकी इसमें आपकी हो गई ये पार्शल ट्रे पार्शल ट्रे पीछे आपको दे रखी है एंड आप अगर आप देखेंगे ये हेड्रेस आपको दे रखे हैं क्रेटा का काफी कुछ और बहुत कंफर्टेबल है यार आप यहाँ पे इस गाड़ी में लॉन्ग जर्नी भी इजीली कंफर्टेबल होके कवर कर सकते हैं कोई भी लॉन्ग जर्नी आप इजीली एंड ये आपका इसमें भी पीछे आपके ये हो गए सिल्वर डोर हैंडल्स हो गए और आपका पावर विंडो प्लस आपका यहाँ पीछे स्पीकर हो गया ठीक है एंड यहाँ आपका हो गया ये ए वेंट पीछे सेम रेड कलर टर्बो में ये आता है प्लस छोटा सा यहाँ स्टोरेज प्लस यूएसबी का ऑप्शन बाकी गाड़ी देखिए यार बहुत ही अच्छी और एकदम बढ़िया लुक आती है पूरा जो जो सनरूफ का जो मज़ा है ना इस गाड़ी में पूरा और चार चांद लगा देता है गाड़ी में बाकी का इसके डैशबोर्ड की अगर मैं बात करूं तो डैशबोर्ड आपको ब्लैक कलर में दे रखा है तो अगर आप इससे कम वाला मॉडल लेंगे तो आपको ब्लैक और बेज में मिलेगा तो आई थॉट कि मुझे ब्लैक और बेज का कॉम्बिनेशन ज़्यादा अच्छा लगता है और इसमें है सिर्फ ब्लैक का तो इसलिए मुझे इतना अच्छे से Uh, मतलब इस गाड़ी का थोड़ा अट्रैक्टिव लुक इसका मतलब है तो गाड़ी नो डाउट बहुत अच्छी बट ब्लैक और बेज का और ज्यादा कॉम्बिनेशन होता तो और गाड़ी में बहुत अच्छी लुक आती बाकी सीट अरेंज करने के लिए इसमें आपको दे रखी है मोटर आगे स्लाइड करने के लिए इसको आपको आगे ऐसे पुश करना पड़ेगा तो उसमें मोटर है स्लाइड आगे करने के लिए और पीछे करने के लिए ठीक है तो इसमें एक यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाता है टॉप मॉडल में बाकी आपका यहाँ पे हैंड ब्रेक की जगह आपको पार्किंग का ऑप्शन दे रखा है आपको इसमें क्या करना है कि लाइक अगर आप कहीं आपको हैंड ब्रेक जैसे आप यूज करते थे उसको ऊपर की तरफ पुल करके इसमें आपको सिर्फ बटन को पुल करना है और आपको इसको कैसे रिलीज करेंगे जस्ट यू हैव टू डू वन थिंग आपको ब्रेक पर पैर रखना है और इसको नीचे की तरफ पुश करना है देन वो ब्रेक अपने आप रिलीज हो जाएगा प्लस ऑटो होल्ड ऑटो होल्ड आपका है कहीं भी अगर आप गाड़ी को किसी हिल स्टेशन पर गए या कोई भी स्लैंडिंग जगह पर खड़ी है तो आप ऑटो होल्ड प्रेस कर दीजिए वहाँ पे आपका ऑटो होल्ड एक्टिवेट हो जाएगा और उसको कैसे रिलीज करना है जस्ट आपको एक्सेलरेट करना है ऑटो होल्ड अपने आप रिलीज हो जाएगा एंड एक्टिवेट जब होगा जब आप दोबारा अपने ब्रेक को पुश करेंगे ठीक है तो ऑटो होल्ड दोबारा एक्टिवेट हो जाएगा और परमानेंट हटाने के लिए आपको इस बटन को दोबारा प्रेस करना पड़ेगा ऑटो होल्ड को बाकी यार क्रेटा की सेटिंग या पॉलिसी की बात करूँ तो बहुत बहुत बढ़िया कंफर्टेबली इसकी सीट्स हैं आप बहुत ही कंफर्टेबल होकर लॉन्ग जर्नी को कवर कर सकते हैं इसमें जो ये छोटे छोटे रखे हैं, ये हैं आपके वेंटिलेशन जो आपके वेंटिलेटेड सीट्स हैं, ठीक है बाकी यारीट कुशनिंग इफेक्ट है बहुत अच्छा है एंड काफी अच्छा कंफर्टेबल सीटिंग अरेंजमेंट है इस गाड़ी का बाकी दूसरी पैसेंजर साइड आपको शायद आ, म, मोटर नहीं दिया ये आपको खुद ही मैनुअली आपको खुद ही मैनुअली एडजस्ट करने पड़ेंगे तो इसमें कोई मोटर नहीं है बस आपको वो ड्राइविंग सीट पर मिलती है Guys, अगर मैं इसके सेफ्टी फीचर्स की बात करूँ तो सेफ्टी फीचर तो हद ही इसमें मिलते हैं इस गाड़ी में आपको डे नाइट का विजन मिल जाता है एयरबैग्स मिल जाते हैं ए बी एस विद ई बी डी मिल जाता है इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबिलिटी कंट्रोल मिल जाता है ई एस सी ठीक है, ड्यूअल हॉर्न मिल जाता है रियर डिफोगर मिल जाता है एम मोबिलाजर मिल जाता है तो बहुत सारी चीजें हैं वही ऐसी जो आपको ये गाड़ी प्रोवाइड करती है सेफ्टी फीचर्स में एंड सेफ्टी फीचर्स में इससे भी अलग बहुत बहुत सारी चीजें हैं मैंने आपको हाईलाइट करी हैं चीजें बाकी नो no डाउट यार गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है एकदम ए क्लास गाड़ी है और इस जो इसको कहा जा रहा है जो इसको टैगलाइन दी जा रही है गाड़ी को दी जा रही है सड़कों की रानी और लिटरली इस टाइम पे जिसके पास हम देखें हर गाड़ी क्रेटा है एंड क्रेटा पे इतनी सारी बुकिंग्स हैं यार अप्रोक्स मिनिमम तो आठ से नौ महीने की लोगों को ये गाड़ी बुकिंग पे मिल रही है तो नो no डाउट यार लोग खरीद भी रहे हैं तो इसलिए खरीद रहे होंगे कि गाड़ी में दम है और फीचर से बड़ी गाड़ी है सो so गैस ये था आज का इंटीरियर का रिव्यू रिव्यू प्लस फीचर्स मैंने क्रेटा एस एक्स ऑप्शनल के कवर करे हैं इस गाड़ी में ठीक है तो अब जो अपकमिंग वीडियो होगी एक्सटीरियर की कलर परसों में शायद वो भी अपलोड हो जाएगी तो आई होप आपको बहुत अच्छा लगी होगी वीडियो एंड सब्सक्राइब करो शेयर करो जितना शेयर कर सकते हो यार उतना शेयर करो अपने वीडियो को और सब्सक्राइब जरूर करना सबको दोस्तों को बोलना वो भी शेयर करें एंड इंस्टाग्राम uh, पे मेरा पेज है जनता कैच करके उसको भी आप फॉलो करो जो भी कुछ क्वेरीज हैं गाड़ी से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो किसी गाड़ी का रिव्यू बताना हो उसका करो तो आप बिल्कुल मुझे ओपनली मैसेज कर सकते हैं या कमेंट करके बता सकते हैं तो टिल देन आप सेफ रहिए है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब तक स्टे सेफ बाय बाय